जब मैं 6 साल का था तब मेरा भाई मेरे से आधी उम्र का था। अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो बताइए कि मेरा भाई कितने साल का हुआ। सोचो दोस्तों कि अगर आप एक जहाज में हो और आपको पता है कि वो जहाज डूबने वाला है, तो आप कैसे बचोगे। मैं भारी तो नहीं हूँ, पर मेरे को पहलवान भी नहीं रोक सकता। एक आदमी बाथरूम के अंदर गया और उसने अपने सर के बीचों बीच गोली मार दी, पर वो बिल्कुल सही सलामत बच गया। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिट्टी चैनल की पहेली सीरीज के एक नई धमाकेदार वीडियो में। और आज भी मैं वही करूंगी जो पहले करते आए हूँ। आप लोगों से मैं पूछूंगी कुछ पहेलियाँ, उसके बाद हम देंगे आपको 20 सेकंड और उस 20 सेकंड में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि उस पहेली का क्या सही जवाब है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आप लोगों को कितनी पहेलियों के जवाब आते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है कि अगर 14 लड़कों को एक दीवार बनाने में 20 घंटे लग रहे हैं, तो 10 लड़कों को उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। सोचो सोचो क्या हो सकता है। दोस्तों गणित लगाओ, थोड़ी समझ आ जाएगा आपको। गणित पढ़ी है ना। इस पहेली का सही जवाब है जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बोला कि उसी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा। दीवार तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो वापस बनाने में कितना टाइम लगेगा, जरा भी नहीं। दोस्तों जितने भी लोग हमारी इस वीडियो में सही जवाब देंगे उन्हें हम देंगे कमेंट्स में हार्ट। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मैं भारी तो नहीं हूँ, पर मेरे को पहलवान भी नहीं रोक सकता। तो बताओ ऐसी क्या चीज हो सकती है दोस्तों जो भारी भी नहीं है पर एक हट्टा कट्टा पहलवान भी उसे रोक नहीं सकता। क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। इस पहेली का सही जवाब है सांस। क्या होता है दोस्तों, सांस रोकने से मर जाते हैं ना। तो अगर हम लोग मर जाते हैं तो चाहे वो हट्टा कट्टा पहलवान हो, चाहे वो कोई भी हो, सांस रोकने से वो मर जाएगा। दोस्तों मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि पहले से हमारी वीडियोस पे कमेंट्स आने बहुत कम हो गए हैं, कि जो पहली वीडियो गई थी हमारी पहली सीरीज की उसके अंदर इतने भर के, मतलब दिल खोल के कमेंट दे रहे हैं सबने, लेकिन आगे आते आते आप लोग बिल्कुल ठंडे पड़ गए। अब ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी से कमेंट करो। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जब मैं 6 साल का था तब मेरा भाई मेरे से आधी उम्र का था, अब मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो बताइए कि मेरा भाई कितने साल का हुआ। लगाओ लगाओ गणित वाला दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स को भर दो बिल्कुल। जल्दी से सही जवाब कमेंट करो, पता है ना सही जवाब। इस पहेली का सही जवाब है 47, क्योंकि 6 साल का जब वो इंसान था तब उसका भाई कितने साल का हुआ, 3 साल का। क्यों, क्योंकि वो उसकी हुई आधी उम्र, अब वो हो गया है 50 साल का, तो उसका भाई उससे कितना छोटा हुआ, सिर्फ 3 साल। क्योंकि जब वो 6 साल का था तब उसका भाई उससे सिर्फ 3 साल छोटा था, और अभी भी इतने टाइम बाद भी उसका भाई उससे तो 3 साल छोटा ही रहेगा। तो 50 में से 3 निकाले कितने हुए, 47। इसीलिए इस पहेली का जवाब है 47। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सब मुझे गलत बुलाते हैं, बताओ मैं क्या हूँ।
सोचो दोस्तों, ऐसी क्या चीज है जिसे हम हमेशा गलत ही बुलाते हैं? सोचो सोचो। दोस्तों अगर आपको जवाब नहीं भी आता तो भी आप कमेंट तो करो, जितने आते हैं उतने कर दो। इस पहेली का सही जवाब है गलत, क्योंकि गलत शब्द को तो हम हमेशा गलत ही बुलाते हैं, सही कि नहीं? अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ भी सकती है और बिना आंखों के रो भी सकती है? सोचो, ऐसी क्या ही चीज हो सकती है जो बिना आंखों के रो भी ले और बिना पंख के उड़ भी जाए? दिमाग है तो जवाब दो, जल्दी से कमेंट करो कि ऐसा क्या हो सकता है। इस पहेली का सही जवाब है बादल, क्योंकि बादल खुले आसमान में उड़ता भी है बिना पंख के और वो बिना आंखों के रोता या फिर बरसता भी है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक आदमी बाथरूम के अंदर गया और उसने अपने सर के बीचों बीच गोली मार दी, पर वो बिल्कुल सही सलामत बच गया। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो सोचो, बहुत आसान है ये। लगाओ दिमाग लगाओ। और जब तक आप कमेंट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो तो लगे हाथों जरा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, जो लाल वाला बटन है। इस पहेली का सही जवाब ये है, उस इंसान ने अपने आप को गोली नहीं मारी या फिर ऐसे नहीं गोली मारी, उसने सामने गोली मारी थी। तो जैसे अगर वो शीशे के सामने खड़ा हुआ है तो उस आदमी ने शीशे की तरफ ऐसे करा और अपने सर के बीचों बीच गोली मार दी, ऐसे वो बच गया और सही सलामत रहा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो बताओ कि मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सोचो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक पक्षी अंडे भी नहीं देता, तो उसके बच्चे कैसे हुए फिर? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये तो समझ आ ही जाएगा। इस पहेली का सही जवाब है मोरनी, मतलब कि मोरनी ही तो अंडे देती है, मोर थोड़ी ना अंडे देता है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक गाय के गले में 5 फीट लंबी रस्सी बंधी हुई है और चारा पड़ा है 15 फीट दूर, तो बताइए कि गाय चारा कैसे खाएगी? लगाओ अपना गणित वाला दिमाग लगाओ और जल्दी से कमेंट करो। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, जल्दी से कमेंट करो, बहुत कम टाइम बचा है। ये बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर आप जरा सा सोचोगे तो आपको इसका जवाब जरूर समझ आ जाएगा। तो भर दो यार कमेंट बॉक्स हमारा। अरे इस पहेली का सही जवाब है कि गाय के सिर्फ गले में रस्सी बंधी है, वो रस्सी खोटे से नहीं बंधी या गाय खोटे से नहीं बंधी हुई है। तो गाय तो कहीं पे भी जा सकती है, कितना भी दूर जा सकती है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि चारा 15 फीट दूर हो, 20 फीट दूर हो या जितना भी दूर हो, गाय वहाँ पे चल के आराम से जाके उस चारे को खा सकती है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक जलते हुए घर के बाहर 3 लोग खड़े थे, एक आदमी आया और उन तीनों को मार मार के वहां से भगा दिया, पर उस आदमी को फिर भी जेल हो गई, तो बताओ ऐसा क्यों हुआ उस आदमी के साथ? आप बताओ दोस्तों, अगर आप
किसी जलते हुए घर के पास कुछ लोगों को देखोगे और उन्हें वहाँ से भगा दोगे तो आपको जेल क्यों हो सकती है? लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। कुछ नहीं तो अपने दोस्तों से पूछ लो, अपने घर वालों से पूछ लो कि ऐसा क्या हो सकता है, और जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ कि इस पहेली का सही जवाब क्या है। इस पहेली का सही जवाब है कि जो लोग आग बुझाते हैं या फिर फायर ब्रिगेड वाले लोग थे, और उस आदमी ने उन लोगों को जो आग बुझा रहे थे एक जलते हुए घर के बाहर से पीट पीट के भगा दिया। उसके साथ तो यही होना था। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो सोचो दोस्तों कि अगर आप एक जहाज में हो और आपको पता है कि वो जहाज डूबने वाला है तो आप कैसे बचोगे? सोचो सोचो ऐसा क्या हो सकता है। और जब तक सोच रहे हो तो एक जल्दी से लाइक भी ठोक दो हमारी वीडियो पे, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। एक आखिरी सवाल ही तो है ये, इसमें क्या सोच रहे हो अब, जल्दी कमेंट करो। तो दोस्तों इस पहेली का जवाब आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जो कि है @littyvideos। तो आप वहां जाके इस पहेली का जवाब जान सकते हैं और हमें कुछ ऐसी पहेलियां भी सजेस्ट कर सकते हैं जो मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ हमारे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि अब हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी एक्टिव हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करो और हमें बताओ कि मैं आपसे एक वीडियो में कितनी पहेलियां पूछा करूँ, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ऐसी पहेली है जो हम आने वाली वीडियोस में आप लोगों से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो किस चीज की वेट कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से जाओ और लाइक ठोको इस वीडियो को, और लोगों के साथ शेयर करो, और लोगों को बताओ हमारे चैनल के बारे में, और हमारे को ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहो। मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। और जल्दी से अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पे क्लिक करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। चलिए अपना ध्यान रखना, मैं आपको मिलती हूँ अगले शुक्रवार एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके बाय।